केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने एक बार फिर कांग्रेस के नेताओं पर जोरदार हमला बोला है। इंदौर पहुंचे सिंधिया ने मन से ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को लेकर जोरदार हमला बोला। ज्योतिराज सिंधिया ने दिग्विजय सिंह को काला बादल बताया है। सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश पर एक काला बादल छाया हुआ था, ये दौर था 2002 और 2003 का। उस समय प्रदेश की सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हुआ करते थे, बल्ब होता था पर उसमें प्रकाश नहीं होता था, बिजली गुल रहती थी। इन गड्ढों में गिरकर प्रदेश के नागरिकों ने 2003 में ऐतिहासिक निर्णय लिया और कांग्रेस को सदैव पूर्ण रूप से शिकस्त दिलाई। जनता ने बीजेपी को लाकर विकास और प्रगति पर स्थापित कर दिया। इतना ही नहीं, सिंधिया ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी निशाना साधा और कहा कि कोरोना काल में कमलनाथ को प्रदेश की कोई चिंता नहीं थी, जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया था। वहीं आईफा अपोर्ट कराने के लिए अभिनेत्री और अभिनेताओं के साथ खड़े मिले थे और मुझे मैदान में उतरने को कहा था,